हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज देखिए मैं सीमा पाउडर के रसगुल्ले बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े और फूल। अब इस पैन में 2 कटोरी चीनी डालेंगे। 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी ही पानी होना चाहिए। चीनी और पानी दोनों बराबर ही होना चाहिए। मैंने घर की कटोरी ली है, बस सबके घर में रहती है स्टील की कटोरी, नापने में आसानी होगा। 2 कटोरी चीनी, अब इसी हिसाब से 2 कटोरी पानी भी डालेंगे इसी कटोरी से नाप के। 1 कटोरी कटोरी से ही नापना है। 2 कटोरी 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी दोनों बराबर होना चाहिए। गैस मैंने चला दी है, गैस की फ्लेम हाई है। चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे। मैंने अपने चैनल पर वेज और नॉन वेज दोनों रेसिपी डाल रखी है खाने की, आप ज़रूर देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के नीचे जो घंटी है यानी बेल आइकन, उसे जरूर दबाएं। यह छोटी इलायची है 5, इसे कूट के डालेंगे बाद में। इसे पकने देते हैं। देखिए यह खोल गया है, चीनी भी घुल गई है। इसे चेक करते हैं हुआ है या नहीं। इस तरह से उंगली से चेक कर सकते हैं, चिप चिप करेगा तब हो गया। थोड़ा और पकाते हैं, इसे खोल जाने देते हैं। अब इसमें इलायची डाल देते हैं, क्योंकि यह हो चुका है, चिप चिप होने लगा है, खोल भी चुका है। अब गैस बंद कर देंगे। यह गुलाब जामुन बनाने वाला पाउडर है मिक्स, इसे बनाएंगे। इसे पलट लेते हैं बर्तन में। मैंने देखिए आधा पलट लिया है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा पानी डाल के रोटी के आटे जैसा इसे सानना है, यानी डो तैयार करना है। सख्त नहीं होना चाहिए, गीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम मुलायम करना है इसको। हल्का सा इसको मिला लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ना गीला होना चाहिए ना सख्त। इसे हल्के हाथ से ही मिलाना है इस तरह से, और इसे किनारे कर देना है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि यह सेट हो जाए। सिर्फ 5 मिनट ही रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए यह कितना फूल गया है। अब इसे किसी प्लेट में लेके इसे मिलाएंगे। इसे मसल मसल के और गूथना है, हल्का सा ऑयल लगा के हाथ में। देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, हाथ में ऑयल लगा लिया है। आप घी ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। और इस तरह से मसल मसल के चिकना करना है। डो एकदम चिकना होना चाहिए, तभी अच्छा रसगुल्ला बनेगा। देखिए डो तैयार हो गया है, एकदम मुलायम और एकदम चिकना बना है। इसी तरह होना चाहिए जैसे आटे का होता है। साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें रिफाइन ऑयल डालेंगे, आप घी से भी बना सकते हैं। कढ़ाई भारी होनी चाहिए, यानी भारी तले की। गैस की फ्लेम हाई है, जब डालेंगे तो लो कर देंगे। चलिए अब छोटी छोटी गोली बनाते हैं, यानी रसगुल्ले की तैयारी करते हैं। हाथ में मैंने ऑयल लगा लिया है, क्योंकि यह चिपकता है। इस तरह से करना है। इसकी छोटी छोटी मैं गोली बना रही हूँ, आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बनाएंगे तो यह फूल के बड़ा बड़ा हो जाएगा। एक गोली मैंने ले ली है, इस तरह से गोल गोल इसे चिकना करना है। एकदम चिकना होना चाहिए, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फट जाएगा। देखिए एकदम चिकना होना चाहिए। मैंने एक रसगुल्ला बना दिया है, अब दूसरा बना रही हूँ। देखिए इस तरह से दूसरी लोई लेके एकदम चिकना कर लेना है। इसी तरह सारे रसगुल्ले की गोली बनेगी, एकदम चिकना चिकना होना चाहिए। अगर हाथ में चिपकता है तो आप ऑयल लगा सकते हैं। देखिए एकदम गोल तैयार हुआ है चिकना। चलिए अब फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें एक एक करके सारा डाल देंगे। आप तेल देख सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने रिफाइन ऑयल लिया, आप घी में भी बना सकते हैं। और साइड से तेल हिलाना है, गोली नहीं छूना है। जब होने लगे तब पलट देना है एक साइड से, हल्के हाथ से। देखिए यह गोल्डन होने लगा है, और कितना बड़ा बड़ा हो रहा है। कितनी छोटी छोटी गोली मैंने डाली थी, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है फूल के।
या गोल्डन हो चुके हैं। इसे निकाल के चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए और इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। यह भी मैंने डाल दिया। देखिए कितने फूलने लगे हैं। आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हुए हैं। सारा रस पी लिया है। यह देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मैंने दो बर्तन में रखा था क्योंकि बहुत बड़े हो गए हैं सब। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।